पक जाता है, तो ऊर्जा बनना चाहे हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज 22 अप्रैल है और ईद है। आज 8 बजे ईदगाह पे नमाज होगी और मैं घर से अभी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी बना क्या क्या है। तो भाई साहब देखो, ये दूध है, दही है। वैसे दही से एक पता नहीं क्या होता है, वो गोल गोल सा क्या कहते हैं, ये दही है। इसके अंदर ये सेब की चटनी है गरम गरम ये अभी। और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, सिवैयाँ बनी हुई हैं इसमें। तो ये सिवा ये छोले हैं, ठीक है, बहुत गर्म गर्म है, देखो धुआं है, ठीक है। ये सिवाई सूखी वाली सिवाई है, ये सिवाई है गीली वाली जिसमें काजू बादाम किसी में सब बना हुआ है। तो अभी ये सब लग रहा है और तैयारी अभी चल रही है, तो मैं अभी सिवाई खा लेता हूँ, अभी फिर चलता है ईद का। अभी कुछ बनना है? हाँ, तो जद दही बड़ा उसका नाम था, तो अभी भुना जा रहा है और मैं जा रहा हूँ। हैं और मैं चलता हूँ नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह। चलिए चलते हैं, देखते हैं, देखिए सवारी चलती है। तो अब चल रहे हैं, ईदगाह जा रहा हूँ। 7 बज गए हैं और टाइम मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा। अभी मैं सड़क पर ही हूँ, शांति बनी हुई है। 7 बजे निकल रहा हूँ, 8 बजे नमाज होगी और मिलते हैं। मस्जिद यहाँ पर है, बहुत लोग पढ़ेंगे। इस वक्त मैं सड़क पर आ गया हूँ, पर सड़क जा रही है, संबल रोड बोला जाता है इसे। और चलेंगे आप ईदगाह की तरफ। यहीं से मुझे पैदल की चलना है और आपको दिखाते रहूँगा किस तरह शुरुआत होती है भीड़ की। और चलते चलते पैदल ही चलेंगे, चलिए देखते हैं। मैं कोहिनूर तिराए पर आ गया हूँ और अभी यहाँ पर खाली खाई से जाने शुरू हो गए हैं और कोई ऑटो कोई टैक्सी नहीं चल रही है, इसे जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक मेला भी लगा हुआ है और अभी मैं इस्लाम नगर की तरफ पाऊँ। यहाँ से कुछ भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। ये गली नंबर 6 पर आ गया हूँ मैं और चलते चलते अभी 10-10 मिनट हुए। चलान भी कट रहे हैं, देखो भाई। पिछले साल 2 साल बाद लॉकडाउन के बाद ईदगाह में नमाज हुई थी और इस बार ज़्यादा होड़ हो सकती है। कुछ पहली बार इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि सोचते थे कि वहाँ पर भीड़ होगी क्या नहीं जाएगी, तो इस बार ज़्यादा भीड़ हो सकती है। वक्त मैं गली नंबर 1 पर पहुँच गया और भीड़ जुटती ही जा। मैं फाटक पर पहुंच गया, जैसे फाटक बोला जाता है वैसे दसराज चौकी है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है लगातार। ये भीड़ मैं अब आगे की तरफ से दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा दूर तक लगातार सड़क तक आ जाती है नमाजें। और देखते हैं कैसे कैसे आगे ही चलते रहता हूँ। वैसे भी 1 घंटा है, 1 घंटा नहीं, करीब 1.25 घंटा है। 5 मिनट्स। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिस वीडियोस। मुरादाबाद की 2023 22 अप्रैल। पिछली बार मुझे जगह सड़क पर मिली थी, मैं सड़क पर नमाज पढ़ पाया था और बहुत ज़्यादा लेट में पहुंचा था। आज हो सकता है अंदर मिल जाए जगह, तो आपको पूरा दिखाऊंगा व्यू। वक्त मैं पुलिस चौकी दसराय चौकी वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। तो ये भीड़ दूर तक जा रही है, पुल पर अभी सफ़र कर रही है भीड़ और मैं यहीं पर ही। तो अभी टाइम वैसे 1/2 घंटा है ईदगाह पर पहुंचने का, वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है और तो ये पुल पर पूरी भर्ती जा रही है। चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे भी पहुंचते हैं। 8 बजने में अभी 1/2 घंटा है और दूर से पैदल चलते हुए आ रहा हूँ।
लोग यहाँ पर एक घर बना है और यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। बहुत देर अभी हो रही है और जल्दी पहुंचने वाले हैं, फाटक पर हैं अभी। ये दूर तक, बहुत दूर तक भीड़ जा रही है। भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम फाटक पर आ गए हैं। ये संभल चौराहा बोला जाता है, वैसे इसका नाम भगत सिंह चौराहा है। हो चुके हैं, गैप थोड़ा बिटवीन आया है, देखते हैं। अभी भीड़ इसलिए नहीं बढ़ रही है, भीड़ अभी इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ रही है क्योंकि अभी टाइम आधा घंटा है और आधे घंटे का सफ़र मैंने पैदल किया है यहाँ तक फाटक तक। तो अभी ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी जब लास्ट टाइम आता रहेगा, क्योंकि सड़क पर भी तो बन रही है। नवा मेमोरी को सब्सक्राइब करो। वही मैंने पिछली बार हमारे सब्सक्राइबर कन्नू कह दिया कि यार हमें कुछ ले ले दो इमेजेस, तो मैंने कह दिया नवाब मेमोरीज को सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेटेड। इंसानियत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इतना बड़ा वादा है कि आदमी आवाज हो या आपने अपना लवाज नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में इतना काम है और आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप ये मुकद्दस और कामिल है, घरेलू जिंदगी को दी फर्ज इज्तमा में अदना दर्जे में कोई किया जा सके या अदना दर्जे में कोई लाश किया जा सके। अगर तुम सो तो ये देखो कि हजरत आयशा और खदीजा रजी अल्लाह तआला ने किस तरह हमने पिछली ईद को आया था, तो ईद का पिछली वाले आने पे मुझे यहाँ पर जगह, तो आपने पिछली वाली वीडियो देखेगा, पिछले एक साल की वीडियो लगभग होगी और यहाँ पर जगह मिली थी, लेकिन जल्दी आ गया हूँ, एक घंटे पहले, आधा घंटे पहले आ गया हूँ और 7:30 बज रहा है अभी टाइम, अभी 7:30 बज रहे हैं, अब अंदर जा रहा हूँ। इसी तरह आपकी शक्ल दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है, गेट मेन गेट वो वाला है, बट ये वाले गेट से नहीं, मैं आगे वाले गेट से भी जा रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पर बैठा था पिछली बार, मुसलमानों के लिए दरस इबरत है, अहदीस मुसलमानों के धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी लास्ट तक आते ही रहेंगे और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं अभी इस वजह से इधर से नहीं जा पाऊंगा और मैं इधर से जा पाऊंगा, उधर से जाऊंगा मेन गेट से। और आपके बताए हुए अहकाम पर
और आपकी जिंदगी पर और आपकी सुन्नतों पर हम सबको अमल करना। यहाँ पर फोर्स लगी हुई है और बहुत सारे जो विभाग के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं अभी। तो मेन गेट वैसे ये है और उधर से भी चार गेट नंबर हैं इधर से। तो 2023 की ईद है ये, अभी जब लास्ट में खत्म हुई है तो वापसी और ज्यादा भीड़ रहेगी। ठीक है, तो अंदर आ गए हैं। अंदर का कितना अच्छा लगा हुआ है व्यू, सब बने हुए हैं और बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। पेड़ पौधे अच्छे से हरा भरा हुआ है और अभी मैं हो सकता है मैं ऊपर बैठ पाऊँ। बहुत अच्छा लगा है, इंतजाम यहाँ के बहुत अच्छे किए गए हैं इस बार और इस बार ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी। कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ तक पूरे सड़क तक जाएगी भीड़। अभी टाइम है, देखो आते ही रहेंगे लोग। और प्लीज अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, अपडेट मिलता रहेगा हमेशा। सब जाते ही जा रहे हैं। अंदर चलिए, अंदर अंदर सबसे ऊपरी जगह मिल पाएगी। और मैं लेट में कहीं बाहर आऊँ तो बाहर की वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा कितनी भीड़ होगी पिछली बार की। लगता है कोशिश पूरी रहेगी आने की, लोग छाए में बैठने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से बड़ा कोई मकसद हमारे और आपके लिए नहीं हो सकता। इसलिए उलमा ने लिखा है, जिस तरह नमाज रोजा फर्ज, जिस तरह हज और ज़कात फर्ज है, इसी तरह चलिए। तो भाई देखो, छाए में बैठने की सब लोगों ने कोशिश कर ली है पूरी और मैं ऊपर जाने की बैठने की कोशिश करूँ यहीं पर ही। चलो ऊपर चले जाता हूँ, यहाँ से तो ये हो सकेगा कि चलो भीड़ में है, ऊपर से देखा जाएगा। वैसे पूरा देखो बढ़ रहे हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देते हैं, बना लिए बैठने बैठने ऊपर जाने की कोशिश करूँगा मैं। तो एक गेट ये सामने है बाहर जाने का और गेट उधर भी है, ऊपर भीड़ लग गई है। अब पूरा भर जाएगा ये सड़क तक, पूरा भर रहेगा, भर रहेगा पूरा। अभी देखो आते ही रहेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा है। ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, जगह मिल पाएगी। तो यहाँ पर सब भाई हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला दुरूद ए पाक की बरकत से उसकी परेशानी और उसके गम और उसको दूर फरमा देते हैं। इसी तरह हदीस में आता है कि वजू के दरमियान दुरूद शरीफ पढ़ना, अगर किसी का हाथ और पैर हो जाए तो वो सब सबक दुरूद ए पाक पढ़ ले। ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसी तरह नदी है नीचे जगह बना रही है लोगों ने छाए की तरह से और मुझे लगता है ऊपर जगह मिल पाएगी। तो ट्राई करते हैं, मैच में अभी अकेला हूँ तो मिल नहीं सकते हैं। अभी आधा घंटा है तो मुझे अभी यहाँ पर गैप दिख रहा होगा बिटवीन। चलो चलते हैं ऊपर।
वैसे नहीं मिल पाएगी लग रहा। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रोजाना 300 मरतबा आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक का तकराना भेजता है। ऊपर जगह नहीं मिल पा रही है लग रहा है, और उसके बाद मुझे लग रहा है नीचे ही बैठना पड़ेगा मुझे। एक बुजुर्ग थे अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उनको बेदारी के हालत में आपको बैठने पर तो अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वैसे तो मेरा कोई खास अमल नहीं, लेकिन मैंने दुरूद पाक को कम पढ़ा करता हूँ। भाई देखो मुझे नीचे जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर तो भर गई है, और वैसे यहाँ पर भी बड़ बिछने लगे हैं, धूप हो रही है, तो भाई धूप होने की वजह से यहाँ पर मैं कैसे बैठ पाऊँगा, देखो यहाँ बिछने लगे, छाया में जाने की कोशिश करेगी जल्दी, छाया भी नहीं मिल पाएगी वरना तो भाई वहाँ छाया मिल रही है लग रहा है, वहाँ बैठ जाता हूँ मैं छाया में। जब मस्जिद और मदरसे में जा रहे हैं तो उस वक्त तो हम अल्लाह और अल्लाह का रसूल याद आ रहा है, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं या दुनियावी मशालों में लग जाते हैं या शादी बियाह में जाते हैं तो उस वक्त हम आप आएंगे सलाम। भाई मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं जाऊँ बैठने के लिए तराश रहा हूँ जगह का, छाव मिल जाए मुझे हमारे और आप मिल बिछाना पड़े मैं ऊपर नहीं बैठ पाया और मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ जमीन पे, यहाँ पर आ गया हूँ नीचे, तो जगह यहीं पर ही नीचे ही मिली है, कोई नहीं पिछली बार तो बहुत मुझे बाद में बैठा हुआ था जब तक बाहर पे, तो ठीक ही है जगह भी सही है, अभी धूप भी पहुँची यहाँ पर, अभी बहुत ज़्यादा है, अभी टाइम आधा घंटा 7:30 जमा कर लिया। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल। सभी को ईद मुबारक, ईद की नमाज़ पूरी हो गई है, और ईद की नमाज़ पूरी होने के बाद मैं बाहर चलता हूँ, बाहर से दिखाऊँगा कितनी 8:20 की ईद की नमाज़ जल्दी मैं जल्दी से जल्दी पाऊँ क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा भीड़ उतर रही है, बाहर की तरफ देखते हैं। भाई देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है देख रहे हो, अभी ऊपर से और उतरेगी भीड़, और बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी तो, पूरा भीड़, और सड़क वाली भीड़ तो मैं देख ही नहीं है, सड़क पे चलता हूँ अभी, सड़क वाली भीड़ दिखाऊंगा मैं। चलो जल्दी जल्दी मैं सड़क की तरफ चलता हूँ, लगता है मुझे टाइम भी लग जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए चलते सड़क की तरफ चलता हूँ मैं, और मैं मुझे लग रहा है भीड़ दिखा नहीं पा रहा हूँ।
सारा भी काट।